राधे गाइस, मनु दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल टंकी राइस। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो मैं धोती का स्टाइल आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो मेरा पेटेंट स्टाइल है। पेटेंट स्टाइल, अब पेटेंट तो नहीं होता धोती, लेकिन मैंने आज से पहले किसी को भी इस तरीके से धोती बांधते हुए नहीं देखा, चाहे यूट्यूब कहीं भी, इंस्टाग्राम कहीं भी, किसी को भी मैंने इस तरह से धोती बांधते हुए नहीं देखा। दिस इज माई यूनिक स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग धोती। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया कि इस कौन स्टाइल धोती कैसे बांधते हैं, कृष्ण स्टाइल धोती कैसे बांधते हैं, महाराष्ट्र स्टाइल धोती कैसे बांधते हैं, कोलकाता स्टाइल धोती कैसे बांधते हैं, हरियाणा स्टाइल धोती कैसे बांधते हैं। एंड आज जो मैं सिखाने वाला हूँ ये बहुत यूनिक है। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। और मेरे को लगता है हमें बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करना चाहिए आज का ब्लॉग। सो सबसे पहला स्टेप जो मैं हमेशा करता हूँ, आई विल चेंज माई क्लोथ जल्दी से। आई विल कम इनटू माई साइक्लिंग शॉर्ट्स और एक अंडरशर्ट। सो लेट्स चेंज। सो अब मैं आ गया अपने साइक्लिंग शॉर्ट्स और अंडरशर्ट में, और जो मैं धोती आज यूज करने वाला हूँ वो है ये। और ये धोती मैंने अभी कुछ 15-20 दिन पहले ही ली थी। सो मैं आपको एक चीज बता दूँ, जब भी आप नई धोती ले, सो उसके जनरली क्या होते हैं, एंड लूज होते हैं। जो ये एंड्स होते हैं ना, मतलब दोनों साइड के एंड्स जो होते हैं वो लूज होते हैं, मतलब धागे धागे लटके होते हैं। तो मैं इसे पहले स्टिच करा लेता हूँ, एंड्स को लॉक करा लेता हूँ ताकि वो उधड़े ना। उधड़ने का मतलब वो उसके धागे ना निकले बारी बारी आगे से, इसलिए मैं दोनों एंड्स को, दोनों तरफ के एंड्स को स्टिच करा लेता हूँ। मेरे को पर्पल कुर्ता पहनना था, इसलिए मैंने पर्पल कलर में, थोड़ी सी पिंकिश पर्पल कलर में ये बॉर्डर वाली धोती खरीदी थी। ये मैंने वृंदावन से खरीदी थी एंड दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स राइट नाउ। तो आज हम इसे ड्रेप करेंगे, जो स्टाइल मेरा यूनिक है उस टाइम में इस धोती को ड्रेप करेंगे। कुछ नहीं करना, पहले कुर्ता नहीं पहनना, बस पहले धोती को ड्रेप कर लेना, उसके बाद कुर्ता पहनना। क्योंकि अगर आप पहले कुर्ता पहन लेते हो, जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ, तो धोती ड्रेप करने में बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए पहले हम धोती ड्रेप कर लेंगे। इसकी सीधी साइड देख लेते हैं। ओके, इसकी सीधी साइड ये है। कुछ नहीं करना, हमें इस साले के अंदर भी बेसिक वही रहेगा कि हमें 1/3 धोती के 1/3 को अपने राइट साइड रखना है और 2/3 को अपने लेफ्ट साइड पे। सो 1/3 को लिया अपने इस साइड पे। जल्दी से दो नॉट बांध लेंगे हम, टाइट नॉट्स बांधना ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो कि धोती खुल गई। ऐसे खुलती नहीं है कभी, ऐसा कुछ नहीं होता, धोती खुलती है बनती है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। धोती बस इधर दो नॉट्स टाइट बांध लो, उसके बाद धोती के अंदर कोई डर नहीं है खुलने का, कोई भी खींचता रहे चाहे, धोती कभी नहीं खुल सकती। ओके, सो हम धोती को, जो 1/3 धोती है उसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इधर से ऐसे, और जो इसका छोटे वाला ऐसे एंड है इसे ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। इधर से प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। मेरा प्लेट्स बनाने का स्टाइल कैसे रहता है, पहली प्लेट छोटी थोड़ी सी, फिर दूसरी वाली उससे बड़ी थोड़ी सी, ठीक है, बाकी साइज सेम, जो बड़ी वाली थी उसी के साइज की बाकी साइज बना दो, और लास्ट में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल बने तो कोई बात नहीं, चलता है, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे पीछे ले जाऊंगा, झटकाऊंगा अच्छे से। देखो इसकी सारी की सारी प्लेट्स ना एक मतलब सीक्वेंस में आ जाएंगी सारी की सारी ऐसे। और ये देखो, अब जो पहली छोटी बनाई थी ना मैंने, वो अलग से आती है, उसके बाद सारी आती है लाइन में। अब मैं इसे पीछे टक कर दूंगा, इसे ऐसे झटकाया थोड़ा सा और टक कर दिया, इसे अंदर की तरफ कर दिया मैंने टक। ये सेंटर में आ गया ना, मैं इसे कर लो। अब क्या करना है देखो, अब आप कहोगे धोती इतनी ऊपर है, कुछ नहीं करना, नीचे से धोती को इस तरफ खींच लेना थोड़ा सा, ठीक है, और ये धोती इस साइड पे सेट हो जाएगी। मैंने खींच लिया, इसके बॉर्डर को थोड़ा सा सीधा कर दो एंड देखो ये धोती हमारी राइट साइड की कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक हर धोती का सेम रहता है, ऑलमोस्ट यही रहता है, जो मेन डिफरेंस आता है वो इधर आता है, और इधर ही मैं अपना यूनिक स्टाइल क्रिएट करूंगा। तो अब क्या करूंगा, इसको मैं नीचे से लेकर आऊंगा, लेकर आए, ठीक है, और इसका भी ये वाला एंड पॉइंट लिया मैंने, इसकी प्लेट्स बनाऊंगा इधर। इसकी प्लेट्स कैसे बनाऊंगा, सेम वे में, पहले वाली छोटी, दूसरी उससे बड़ी और बाकी सारी उसी के साइज की, ठीक है, दूसरी बनाई थोड़ी सी बड़ी,
बाकी सारी उसी के साइज की। जल्दी जल्दी प्लेट्स बनाते जाओ, सारी की सारी 4 से 5 प्लेट्स बन जाती हैं, ठीक है। इसे करा और अब इसे ऊपर की तरफ ले जाओ थोड़ा, और सारी की सारी प्लेट्स को ऐसे मतलब एक हाथ मार देंगे थोड़ा सा, ताकि सारी अपनी पोजीशन पे सेट हो जाए। ऐसे थोड़ी हाथ से प्रेस मार देना, मैं दिखा देता हूँ अभी कैसे सारी सेट करते पहले। ये लिया, वो सारी की सारी आके अपनी जगह पे, ठीक है। इसे हाथ से प्रेस मार देना, अब इसे नीचे जाने दे भाई, ठीक है। ये नीचे आ गई, पीछे वाली कैसे करो, सारी की सारी आ गई अपनी जगह पे। इन सबको ऐसे पकड़ लो, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें नीचे की साइड से मतलब इन प्लेट्स को निकालना है। कैसे, देखो ये जहाँ नोट बांधी है इसके नीचे से हमें इन प्लेट्स को निकालना है। ध्यान रखना, देखो थोड़ी खराब ना हो, मतलब ही खराब ना हो, ठीक है। प्लेट्स थोड़ी स्ट्रेट रहें। अभी मैंने सीधा कर दूंगा, जो प्रेस मारने को मैंने बोला था वो इसीलिए बोला था ताकि प्लेट्स थोड़ी सीधी रहे तुम्हारी। इन्हें मैं सीधा कर लूंगा जो थोड़ी बहुत मुड़ी हैं, और आगे वाला मेन देखना बस, ये जो बॉर्डर है ये स्ट्रेट रहे, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। अब इसे मैं बाहर की तरफ खींच लूंगा, जितना खींचता जाऊंगा उतना ही नीचे लटकता जाएगा, देखो, ठीक है। और जब इस पैर के ऊपर धोती नीचे पूरी मतलब टो तक आ जाए, मतलब बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ अब इससे ऊपर नहीं खींचनी चाहिए, तब रुक जाना, तब तक खींचते रहो आगे की तरफ। हमने इसे पूरा खींच लिया और ये आगे की तरफ फॉल बन गया है। अब इसे थोड़ा सा साइड में लेकर जाना, ठीक है, और साइड में इसे गिरने देना ऐसे, ठीक है। और अगर अभी भी लगे तुम्हें कि इस साइड ज्यादा है तो इधर से और खींच लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जितने भी खींच सकते हो, ठीक है। इसे खींचने के बाद हमें इधर से इसे प्रेस करना है, जैसे हाथ से हम पहले प्रेस कर रहे थे। इसके बॉर्डर को सीधा कर देना सारा, पीछे की तरफ से भी आगे की तरफ से भी सीधा कर देना, ठीक है। इसे सीधा करने के बाद इसके जो प्लेट्स हैं इन्हें सेट कर देना प्रॉपर ऐसे, देखो ये सारी की सारी सेट हो जाएंगी। एक फॉल, दूसरा फॉल, तीसरा फॉल, ठीक है, ये तीसरा फॉल आ गया, और ये नीचे नीचे के फॉल सारे के सारे सेट हो जाएंगे। इन्हें बॉर्डर्स को सीधा कर देना। और एक और चीज बताऊंगा, जो नीचे से ये है धोती, इधर एक पिन लगा लेना, मतलब नीचे की तरफ, ताकि ये दोनों साइड पे ऐसे भागे मत, नहीं धोती, नहीं तो कभी इधर हो जाएगी कभी इधर ज्यादा हो जाएगी, तो एक पिन लगा लोगे तो सेट रहेगी, ठीक है। अब इस साइड हमने इसे ले लिया, अब हम क्या करेंगे कि इसको बॉर्डर को ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ, एक दो सेकंड, या एक काम करो इसे बीच में, मतलब एक प्लेट ली, दूसरी प्लेट और तीसरी, तीसरी के बाद इसे ऊपर की तरफ खींच लो, ठीक है। फिर ऊपर वाली वन बाय वन खींचते रहना, ठीक है। ये देखो एक फॉल बन जाएगा ऐसे, देखो फॉल बन गया, ठीक है। इस फॉल को बनाने के बाद इसे इधर टक करना थोड़ा सा, टक कर लिया। टक करने के बाद इस वाली जो चीज, इस चीज को तुम बिल्कुल ऐसे साइड में टक कर लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। देखो ये बन गई बहुत ही क्यूट सी पॉकेट तुम्हारी, ये धोती होगी, ये धोती का तुम स्टाइल देखो कितना प्यारा है। इधर से पूरी की पूरी प्लेट्स आई हैं, सामने से ये थोड़ा सा इस्कॉन स्टाइल वाली धोती का लुक आया है, और इधर हमारी एक बन गई पॉकेट। अब मेरे कुर्तों में, बहुत सारे कुर्तों में ऐसे जो बहुत स्टाइलिश कुर्ते होते हैं उनमें जनरली पॉकेट नहीं बन पाती, क्योंकि वो चिकनकारी वर्क का कपड़ा होता है, इसलिए पॉकेट जनरली कई कुर्तों में बन नहीं पाती।
तो मेरी धोती में एक मेरी पर्सनल पॉकेट हो गई है, देखो कितनी गहरी है और ये कहीं भी जाने वाली नहीं है। मतलब ये इतनी अच्छी पॉकेट बनी है, इसके अंदर मैं कैश रख सकता हूँ, मोबाइल रख सकता हूँ इजीली, चाहे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट वन मिनट। सो देखो ये मेरा वॉलेट है, ये मेरा मोबाइल है, मैं इन दोनों को इसके अंदर प्रॉपरली फिट करके रख सकता हूँ पॉकेट में, ठीक है। और ये मेरी पॉकेट कहीं भी जाने वाली नहीं है, मतलब आई गारंटी यू ये पॉकेट कभी भी खुल नहीं सकती, फट नहीं सकती किसी भी तरह, चाहे मैं इसे जितना भी हैवी लोड डाल दो, देखो ये कहीं नहीं जाएगी पॉकेट। दिस इज द सेफेस्ट प्लेस इन योर धोती नाउ, चाहे आपके कुर्ते में पॉकेट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपनी पर्सनल पॉकेट बना ली है धोती के साथ। ये मेरा पेटेंट स्टाइल है, दिस इज समथिंग यूनिक, आई लाइक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज समथिंग यूनिक जो कि मैंने अब तक इंटरनेट पे नहीं देखा है धोती ड्रेपिंग में। सो आप ऐसी पॉकेट बना सकते हैं। और अब हम स्टाइल करेंगे कुर्ते को इसके साथ, सो लेट्स चेंज। सो ये मैंने कुर्ता स्टाइल करा है अपनी धोती के साथ, ये पर्पल कलर का कुर्ता है जो कि मैंने अपनी पर्पल धोती के साथ मैच करा है, एंड दिस इज द फाइनल लुक धोती की और साथ में ये हुआ कुर्ता। यू कैन एक्सेसराइज विद अ नॉर्मल नेक माला कोई भी, और रिंग्स के साथ आप एक्सेसराइज कर सकते हो, एंड आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा और मेरे धोती का ये थोड़ा यूनिक स्टाइल आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू गाइस हैव एंजॉयड माय व्लॉग, डू गिव इट अ थम्स अप, एंड जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना कि आपको मेरा ये यूनिक स्टाइल धोती का कैसा लगा, एंड मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और यूनिक स्टाइल की धोती के साथ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय, विल मीट यू सून, राधे राधे, शुभ रात्रि।